जोधपुर में नाबालिग बालिका के साथ हुए गैंगरेप के मामले ने अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां NSUI ABVP के छात्र नेता का आरोपी के रूप में पहचान होने के बाद लगातार धरने और प्रदर्शन जारी हैं, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लगातार और धरने प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। पहले विश्वविद्यालय परिसर में एक बड़ी रैली निकालते हुए जब ये छात्र यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर जब ये छात्र नेता पहुंचे तो पुलिस द्वारा एहतियातन के तौर पर यूनिवर्सिटी के दोनों मुख्य गेट को बंद कर दिए। लेकिन जब छात्र नेताओं ने सड़क पर आने की कोशिश की तो ऐसे में ABVP छात्र नेताओं और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प देखने को मिली। जब यूनिवर्सिटी का गेट बंद किया गया तो इस दौरान छात्र नेताओं ने गेट पर चढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस वालों ने उनको नीचे उतारने का प्रयास किया। लेकिन इस दौरान जब छात्र नेता मुख्य सड़क पर आने की जिद करने लगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और ABVP छात्र नेताओं में जमकर झड़प देखने को मिली। जब छात्र नेता लगातार सड़क पर आने का प्रयास कर रहे थे तो ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज भी करना पड़ा और इस दौरान वहां तीतर बितर की स्थिति बन गई। पुलिस को सख्त कदम उठाते हुए कुछ छात्रों को हिरासत में भी लेना पड़ा। लेकिन इन छात्रों को हिरासत में लेने से पहले देखने को मिला कि किस तरीके से ABVP के छात्र नेता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे। छात्र नेता जहां जेएलएन मार्ग को जाम करना चाहते थे तो वहीं पुलिस के द्वारा इन छात्र नेताओं को लगातार रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन जब ये छात्र नेता नहीं माने तो उसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को चोट भी आई है, तो वहीं दर्जन भर छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इससे पहले लगातार दो दिन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। ज्योति नगर थाने के बाहर भी उनका धरना प्रदर्शन देखने को मिला था, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया था। ABVP ने आरोप लगाए हैं कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिस छात्र नेता का नाम लिया जा रहा है उसका ABVP से कोई भी नाता नहीं है। वर्तमान में वह ABVP की कार्यकारिणी में किसी भी प्रकार के पद पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है कि NSUI के कहने पर ये पूरी साजिश रची जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये भी आरोप लगाए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर है वह भी लगातार चरमराता जा रहा है। यदि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पटरी पर नहीं आती है, इसके साथ ही महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, तो आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि दो दिन पहले जिन छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय से जब उन्होंने विधानसभा की ओर कूच किया था तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था जिसमें कई छात्रों के घायल भी हुए थे। तो वहीं ज्योति नगर थाने के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसमें भी पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। तो आज राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें भी एक बार फिर से पुलिस और छात्रों के बीच में जोरदार झड़प देखने को मिली है।